नमस्कार दोस्तों, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो से हम लोग जानेंगे एक शक्तिशाली इंडियन रेलवे में लोकोमोटिव के बारे में, और उस लोकोमोटिव के आज के जो टॉपिक्स है उनके बोगी असेंबली जो है उनके प्राइमरी सस्पेंशन एंड सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में कुछ बताएंगे। उस लोकोमोटिव जो है WAG-9 और उनके जो श्रेणियों हैं उनके बारे में बात होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक दीजिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाने ना भूलिए। इस वीडियो को शुरू करने के आगे आप लोगों को इस लोकोमोटिव के बारे में कुछ बात जानकारी होना चाहिए। जैसे कि देखिए, WAG इसके मतलब होते हैं, W मतलब आपके ब्रॉड गेज में चलने वाला लोकोमोटिव, A का मतलब होते हैं जो कि AC कट से चलता है लोकोमोटिव, और G का मतलब होता है गुड्स ट्रेन के लिए ये लोकोमोटिव तैयार किया गया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उस लोकोमोटिव में उसके बॉगी असल में क्या क्या चीज़ है। देखिए, चलिए दोस्तों, ये जो लोकोमोटिव देख रहे हैं ये OF-9 है जो कि फ्लिप लोकोमोटिव है और ये ABB ग्रुप के है। OF-9 लोकोमोटिव 1998 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वास को बनाने के लिए दिया गया था। ये OF-9 के जितने श्रेणियों को लोकोमोटिव है सभी इंडियन रेलवे में शक्तिशाली लोकोमोटिव बोला जा रहा है, क्योंकि ये लोकोमोटिव बहुत ज़्यादा लोड टानने में सक्षम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे शक्तिशाली 3-फेस लोकोमोटिव OF-9 के बोगी असेंबली के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को तभी पता चल जाए कि ये क्यों इतना शक्तिशाली लोकोमोटिव है। तो दोस्तों देखिए, ये OF-9 AC मॉडल है, ये बफर सिस्टम है और CVC कपलिंग है और साथ में ट्रांजिशन कपलिंग भी है, और नीचे में देखिए एक ट्रेन के साथ में जुड़े हुए है आपके BP पाइप, AP पाइप, डबल पाइप सिस्टम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये लोकोमोटिव के बोगी असेंबली पार्ट्स के बारे में। ये लोकोमोटिव कोको सिस्टम में होता है, इनके मतलब होता है 2 बोगी और 12 व्हील। पहला देखिए, एक सैंड बॉक्स दिखता है, उसके बाद में देखिए एक कॉयल दिखता है, एक डम्पर दिखता है, एक ब्रेक सिलेंडर दिखता है, ये है प्राइमरी सेक्शन आपके इस बोगी। देखिए, एक डम्पर दिखता है एक बॉडी का साथ में बोगी को, जो कि भाटी का शॉक अब्जर्वर को काम करते हैं। और देखिए, इसमें एक चेन दिखता है, ये होता है बॉडी का साथ में बोगी को आपको जोड़ के रखते हैं। एक लंबा सा एक्सेल बॉक्स का आर्म दिखते हैं। बात यह है कि 1 नंबर और 3 नंबर व्हील के ऊपर में देखिए डम्पर सेट लगा हुआ है, और 1 नंबर 3 नंबर का बगल में सैंड बॉक्स है और एक ब्रेक सिलेंडर देखा जा रहा जो कि लोकोमोटिव के होते हैं। 2 नंबर व्हील सेट में ब्रेक सिलेंडर नहीं रहता, ये अगल बगल का ब्रेक काम करते हैं। देखिए, ये बॉडी फ्रेम का साथ में बोगी फ्रेम में आपको एक लेटरल डम्पर दिखता है अंदर में, और एक तो स्प्रिंग दिखता है जो कि बॉलस्टर सस्पेंशन मतलब बी सस्पेंशन का काम करते हैं। वो कॉयल जो है आपके बॉडी का साथ में और बोगी का डंपिंग का एब्जर्व करते हैं, और जो आपके लेटरल स्प्रिंग है वो लेटरल फोर्स को रोकते हैं। ये लोकोमोटिव 120 km/h मैक्सिमम स्पीड होते हैं, और इसके जो इंजन होते हैं उसके हॉर्स पावर होते हैं 6122 HP के। नाइन के सभी श्रेणियों का ट्रैक्शन मोटर होता है एट रेंज 6 FRA 6068 के, और ये ट्रैक्शन मोटर 2 तरफ 2 डायगोनली होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में जरूर जान पाए होंगे कि एक OF-9 के श्रेणी विभागों में जो बोगी असेंबली होते हैं प्राइमरी सस्पेंशन में क्या काम हो रहा है और सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या काम रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी निकलेंगे आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आएंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए, और इसके बाद में दूसरा वीडियो छोड़ेंगे। गुड बाय।